नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में मामूली विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। हमले में एक महिला समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य लोग फरार हैं जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक रोहित चौहान सुंदरनगर में रहते हैं, वह अपने घर जा रहे थे। रास्ते में राज विश्वकर्मा अपनी साले के साथ जा रहा था। इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी होने लगी और मामला मारपीट तक पहुंच गया। इसके बाद राज अपने घर गया और वह अपने भांजे अभिषेक विश्वकर्मा और मां माया के साथ आ गया। इतना ही नहीं, रोहित चौहान के साथ उसके परिजन भी आ गए। इस दौरान आरोपियों ने रोहित चौहान के परिवार पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही पुलिस ने आरोपी अभिषेक विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कल रात करीब 11:30-12 बजे के आसपास की बात है, दशमेश नगर में एक झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी, और जो प्रकरण के फरियादी हैं रोहित सिंह चौहान, उन्होंने बताया कि जो प्रकरण के आरोपी हैं उन्होंने उसके बड़े भाई मोनू चौहान के साथ मारपीट कर दी थी। इसी विवाद के बढ़ने पर ये चाकूबाजी की घटना हुई है। इसमें मुख्य आरोपी अभिषेक को राउंडअप कर लिया गया है और उसे माननीय न्यायालय भी पेश कर रहे हैं। इस प्रकरण में 6 लोग घायल हुए हैं, सभी को सुपरफिशियल चोटें हैं, कोई भी डेंजरस टू लाइफ नहीं है। प्रकरण में धारा 308 का इजाफा किया गया है और शेष आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उन्हें भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय जिस जगह मूर्ति की स्थापना होनी थी वो सेंटरिंग टूट गई थी, तो सभी लोग जो स्थापना वाले लोग थे वो बैठे हुए थे, कहीं आने जाने की बात पर से विवाद हो गया था और साधारण सी बात से ये बात बढ़ गई थी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।